मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सभी धर्मों के पीछे क्यों पड़े? आप लोग मीडिया वाले मैडम, आप लोग सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जवाब देने से पहले ही आदमी दोषी साबित हो जाए। मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ और किसी भी धर्म में मानता नहीं। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और अगर भगवान है तो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। उतना ही नहीं, वो मेरी लड़ाई में शामिल भी होंगे। वो कैसे? अब जब छोटी थी, छोटी बच्ची थी, तो अपने पापा से चॉकलेट मांगने के लिए अब क्या करती थी? मन ऐसे पापा के नाम की माला जपती थी, पापा चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, कि पापा के सामने अगरबत्ती घुमाती थी या फूल फेंकती थी। नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती थी। जो मुझे जो चाहिए होता था मैं उनसे डायरेक्टली मांग लेती थी। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हुआ यह है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तो हमारे बाप के समान है। होगा, लेकिन मैं यकीन कैसे करूं जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? माँ जी आप खाइए। कांची भाई, वैसे तो मैं भी मानता हूँ कि भगवान हमारे पिता समान है। हाँ। तो क्या वो मेरे सामने आएंगे? आप ये मंदिर मूर्ति वगैरह में मानते? हाँ मानता हूँ। तो वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उनको मंदिर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो ना, फिर उनको रूबरू होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लेकिन ये तो गलत है। भगवान तो होता ही है। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। ओहो, पूरे के पूरे अर्पण कर दिए। अच्छा आप जरा सोचिए, आप सुबह सुबह तैयार होकर फर्स्ट क्लास ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, और जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं सामने बालों का ढेर पड़ा हुआ। काले बाल, सफेद बाल, कुछ डेंड्रफ वाले बाल, कुछ ऐसे जू वाले बाल, हर किस्म के बालों का बूफे लगा हुआ है। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। है ना, तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल बाल बाल। ये कांजी भाई लॉजिक तो सही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। इन शॉर्ट आपकी श्रद्धा का वहाँ धंधा होता है। इवन सरिया पैसा बंदे में दम है यार। लेकिन उन पैसों से स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पताल, चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, उससे भी आपको दिक्कत है? ये तो ऐसी बात होगी, जो गुटखा बेचता है वही कैंसर की हॉस्पिटल खोलता है। और मैडम ये सब चलाना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारा पैसा ब्लैक का आता है। इसका अगर आपने व्हाइट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा तो इनकम टैक्स वाले आपका गला दबा के जेल में डाल देंगे। मुझे प्रॉब्लम है इनके पैसे निकालने के तरीकों से। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। That's a good one. आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है, वो मांगलिक है, उसको काल सर्प योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है, क्या है ये? वो बेचारा अभी अभी तो पैदा हुआ, उसको सांस तो लेने दो। फिर इस सबके इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंदूकें निकालते हैं। और जीते जी तो छोड़िए, ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते। हाँ, कि अगर इस जन्म में आपने ये किया तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, या अगर ये किया कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, नर्क में जाओगे, और फिर तो नर्क का पूरा मेनू कार्ड भी पड़ता है। कि आपको वहाँ कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आग के दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। मैं आदमी हूँ कि पकोड़ा हूँ? तो आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मैं समझता हूँ जहाँ धर्म है ना वहाँ सत्य के लिए जगह नहीं है, और जहाँ सत्य है, ट्रूथ है, वहाँ धर्म की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंकवाद।